हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। 4 अप्रैल 2020 आज की होमगार्ड जवानों की मुख्य मुख्य खबरें क्या है, चलिए देखते हैं। होमगार्ड ने एक दिन का वेतन देने का लिया निर्णय। कोरोना के संक्रमण से लोगों का बचाने के लिए जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया, वहीं दूसरी ओर होमगार्ड एसोसिएशन कोरोना के पीड़ितों जरूरतमंदों की सहायता एवं इस खतरनाक बीमारी से निपटने के लिए एक दिन का वेतन बिहार सरकार के कोष में देने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, बिहार सरकार के कोष में जो है वो बिहार के सभी होमगार्ड साथी अपना एक दिन का वेतन जो है जमा करेंगे, जिसको लेकर एसोसिएशन के केंद्रीय समिति ने महानिदेशक सह समादेष्टा होमगार्ड को पत्र के माध्यम से सूचित किया है। यह जानकारी देते हुए होमगार्ड एसोसिएशन के केंद्रीय सचिव सह मिथिला चंद प्रभार विष्णुदेव सिंह यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण जैसी खतरनाक बीमारी एवं इससे उत्पन्न हो रही महामारी से निपटने को राज्य के सभी प्रतिनियुक्त होमगार्ड के जवान के भत्ते में एक दिन का भत्ता बिहार सरकार के कोष में दिया जाएगा, जिसको लेकर विभाग को सूचित भी कर दिया गया है। केंद्रीय सचिव यादव ने बताया कि यह निर्णय केंद्रीय समिति ने सर्वसम्मति से लिया है। वेतन में कटौती करने का निर्णय अध्यक्ष अरुण ठाकुर महासचिव आदि ने लिया है। होमगार्ड का यह निर्णय साहसिक। समादेष्टा जिला समादेष्टा गौतम कुमार ने कहा कि विपदा की इस दौर में ड्यूटी पर निष्पक्ष कर्तव्य को ड्यूटी रूप करने वाले होमगार्ड के जवानों का यह निर्णय साहसिक है। समादेष्टा गौतम ने होमगार्ड एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के इस निर्णय पर खुशी जाहिर की है। तो दोस्तों, बिहार के हमारे होमगार्ड साथी जो है वो अपना एक दिन का वेतन जो है वो प्रदान बिहार के मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे, जिससे कोरोना पीड़ित लोगों को मदद मिल सके। दोस्तों, आज की जो अगली खबर आ रही है वो इतनी अच्छी खबर है कि आप सभी होमगार्ड साथी बहुत खुश हो जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य से बहुत अच्छी खबर आ रही है। नए साल पर सीएम ने दी सौगात, होमगार्ड सैनिकों को किया नियमित। नए साल पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होमगार्ड जवानों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिंदू नववर्ष, जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पे नए साल का मतलब है हिंदू नववर्ष और नवरात्रि के पहले दिन पर भी देश के सभी होमगार्ड सैनिकों को एक नई सौगात दी है। दोस्तों, आप जानते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने दोबारा सरकार बनाई है और उन्होंने सरकार बनाते ही होमगार्ड साथियों को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री ने निष्काम सेवा कार्यक्रम में होमगार्ड सैनिकों से मुलाकात करने के बाद यह घोषणा की है। दरअसल मुख्यमंत्री ने रविवार की सुबह अपने निवास स्थान पर निष्काम सेवा कार्यक्रम में होमगार्ड सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्हें नियमित करने का बड़ा ऐलान किया है। सिंहस्थ महाकुंभ में किया उत्कृष्ट कार्य। सीएम आवास पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर से होमगार्ड सैनिक पहुंचे थे। सिंहस्थ महाकुंभ में होमगार्ड सैनिकों की उत्कृष्ट सेवा को देखते हुए यह निर्णय लिया है। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में बीते हफ्ते हुई कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर मुहर पहले ही लग चुकी थी और आज सीएम ने इसकी घोषणा भी कर दी है। सालाना दिया जाएगा 75 करोड़। बता दें कि होमगार्ड सैनिकों की नियुक्ति के बाद सरकार की तरफ से साल में 75 करोड़ रुपये का वेतन दिया जाएगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में होमगार्ड सैनिकों का मानदेय बढ़ाने और नियमितीकरण समेत अन्य सुविधाएं देने को मंजूरी दी थी। इसके बाद होमगार्ड सैनिकों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन भी किया था। तो दोस्तों, बड़ा अच्छा कदम है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के होमगार्ड साथियों को नियमित करने का बड़ा ऐलान कर दिया है, उनका वेतन भी बढ़ाया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जल्दी से जल्दी देश के सभी राज्यों में होना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आज लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।